Hello students, welcome back. In this video, we are going to learn about the Database Management System Unit of Class 10 IT 402. And the topic of this video is appreciate the concept of Database Management System. इस टॉपिक से रिलेटेड हम इन सब थिंग्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है स्टूडेंट्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन. डेटा हम बोलते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो कि प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं रहता. फिर बात आती है इंफॉर्मेशन की. जब हम डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं और उससे कुछ मीनिंगफुल और यूजफुल फॉर्म बन जाती है, दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम नंबर 2 और नंबर 3 और एक प्लस ऑपरेटर की बात करें तो वो हमारा डेटा है. और जब हम इन्हें आपस में प्रोसेस कर देते हैं, दैट इज़ द नंबर 2, 3 एंड द प्लस साइन, तो वो हमारा बन जाता है 2 + 3, विच गिव्स अस द आंसर इज 5. तो वो हमारी बन जाती है इंफॉर्मेशन. इसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है डेटाबेस और DBMS की. तो डेटाबेस बेसिकली हमारा होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को जब हम कंबाइन करके एक फॉर्म में अच्छे से फॉर्म में रख देते हैं, वो हमारा बन जाता है डेटाबेस. डेटाबेस को हम इस तरह से देख सकते हैं कि वो एक इंफॉर्मेशन का कंटेनर है. इसके बाद डेटा को मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसे हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज जिसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं जो डेटा के और डेटाबेस के क्रिएशन, उसके मेंटेनेंस और उसके यूज़ को कंट्रोल करता है, वो हमारा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे MySQL है, Oracle है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये सारे हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं. MS Excel भी एक तरह का हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ DBMS. नाउ डेटाबेस हमारे पास दो तरह के होते हैं. वन इज़ द फ्लैट फाइल डेटाबेस, जिसमें डेटा हमारा एक सिंगल टेबल के अंदर स्टोर्ड होता है और जनरली कुछ लेस अमाउंट ऑफ डेटा के लिए ये हमारा डेटाबेस रहता है, फॉर एग्जांपल MS Excel. इसके बाद बात आती है रिलेशनल डेटाबेस की. तो फ्लैट फाइल डेटाबेस में डेटा एक टेबल में होता है और रिलेशनल डेटाबेस में डेटा हमारा एक से ज़्यादा टेबल में होता है और जितनी भी टेबल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक होती हैं कॉमन फील्ड के थ्रू. यानी कि सब जो टेबल्स आपस में लिंक हैं, दोनों में एक कॉलम ऐसा होता है जो दोनों में कॉमन हो, फर्स्ट टेबल में भी हो और सेकंड टेबल में भी हो. एंड इट इज़ यूजफुल टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस इज MySQL. नाउ देर आर सम एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस, कि किस तरह से डेटाबेस हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है. सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी. रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा. DBMS contains multiple files. DBMS के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो एक सिस्टम में डिफरेंट locations पे स्टोर होती हैं. तो इस वजह से एक ही कॉपी की कभी कभी मल्टीपल, एक ही फाइल की कभी कभी मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं, जिस वजह से डेटा डुप्लीकेट हो जाता है. मान लीजिए एक स्टूडेंट की फाइल है, एक उसके हॉस्टल की फाइल है और एक उसके घर की फाइल है. तो हमने एक फाइल के अंदर एड्रेस को चेंज कर दिया और दूसरी फाइल में नहीं किया, तो फाइल्स तो हमारे पास दो हैं, सेम कॉपी है, लेकिन एक में एड्रेस अपडेटेड है, एक में नहीं है. और अगर हमें उस स्टूडेंट को कोई भी चीज़ सेंड करनी है, कोई मेल सेंड करना है या हम कह सकते हैं कोई पोस्ट के थ्रू कुछ चीज़ सेंड करनी है, तो वहाँ पे वी विल गेट कन्फ्यूज कि हमें दोनों में से कौन सा एड्रेस लेना है. तो डेटाबेस के अंदर ये चीज़ प्रिवेंट हो जाती है क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल डेटाबेस होता है और कोई भी चेंज उसके अंदर जो होता है वो सभी को इमिडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाता है. सो उस केस में वहाँ पर आपका डेटा का डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ डेटा. एक डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस के यूज़र्स हैं वो डेटा को शेयर कर सकते हैं आपस में. एंड क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज प्लेस पे है तो वो आपस में कहीं पे भी कोई भी डेटा चेंज करेगा तो सबको रिफ्लेक्ट करके दिखा देगा. एंड इट कैन बी शेयर्ड सो दैट एवरीवन कैन हैव द एक्सेस टू द डेटा. अब शेयरिंग की वजह से क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल टू फुलफिल द डेटा रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू एप्लीकेशन विदाउट हैविंग टू क्रिएट द डेटा अगेन फ्रॉम द बिगनिंग, देयर बाय सेविंग कॉस्ट एंड टाइम. हो सकता है एक कोई ऐसी नई एप्लीकेशन क्रिएट हो जिसमें हमें उस सेम डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ से हम डेटा को ले सकते हैं, हमें दोबारा से उसके लिए नए डेटा को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हमारी कॉस्ट भी सेव हो जाएगी. अंडरस्टूड. द नेक्स्ट एडवांटेज इज़ डेटा कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि डेटा जो सारे टेबल्स के अंदर आ रहा है वो सारे यूजर्स के लिए सेम है, कि अगर कोई भी चेंज कर रहा है दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो किसी के लिए डिफरेंट है, किसी के लिए कोई दूसरा है, ऐसा नहीं है. इट इज़ सेम फॉर ऑल द यूजर्स जो भी उसको देख रहे हैं. तो कंसिस्टेंसी डेटाबेस में इंश्योर्ड इसलिए रहती है क्योंकि डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होता.
जो भी हम डेटाबेस के अंदर चेंजेस करेंगे वो उसी टाइम पे सारे यूजर्स को शो कर दिए जाएंगे। इसके बाद बात आती है हमारी डेटा इंटीग्रिटी की। इसका मतलब होता है कि जो डेटा है वो हमारा एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है, मतलब ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि डेटाबेस के अंदर एक वैलिड डेटा जो रिक्वायर्ड है किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ वही एंटर हो पा रहा है। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, एक कॉलम के अंदर कुछ कंडीशन लगा देते हैं कि इस कॉलम में मार्क्स जो हैं वो या तो 100 होने चाहिए या 100 से कम होने चाहिए। अगर कोई भी पर्सन 100 से ज़्यादा मार्क्स एंटर करने का ट्राई करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा और वो उसको एंटर नहीं करने देगा। तो डेटाबेस की एडवांटेज होती है कि आप इस तरह से वैलिडिटी चेक्स लगा सकते हैं, और इस फीचर को स्टूडेंट्स अब क्या बोलते हैं, डेटा इंटीग्रिटी। बात आती है नेक्स्ट डेटा सिक्योरिटी की। तो डेटा सिक्योरिटी ये इंश्योर करती है कि सिर्फ जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, जिनके पास उसका आईडी और पासवर्ड है, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर पाएंगे। कोई भी नॉर्मल यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि उसके कोई रिस्ट्रिक्टेड, वहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि द पर्सन हु इज़ हैविंग अ वैलिड आईडी एंड पासवर्ड कैन ओनली एंटर इनटू द डेटाबेस एंड वर्क अपॉन इट। तो ये हमारी डेटा के एडवांटेज है, जिससे कि हमारा डेटा जो है वो सिक्योर रहता है। नेक्स्ट एडवांटेज है स्टूडेंट्स बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डेटा का बैकअप है और उसकी रिकवरी है अपने आप कर लेता है। यूज़र्स को टाइम टू टाइम डेटा को बैकअप नहीं करना पड़ता, बिकॉज ये काम DBMS का होता है। और इन केस कभी हमारा सिस्टम क्रैश हो गया या फेल हो गया तो ये उसे वापस से उसी पोजीशन में ले आता है। नेक्स्ट हमारा होता है एनफोर्समेंट ऑफ द डेटा स्टैंडर्ड। तो डेटाबेस का एक्सेस इस तरह से किया गया है इन अ स्टैंडर्डाइज एंड सिस्टमैटिक मैनर, यानी कि उसका जो नेमिंग है डेटा की, डेटा के फॉर्मेट को किस तरह से रखना है, रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सारी चीज़ों का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि ये इसका एक फॉर्मेट है और ये ऐसे ही रहेगा। तो हम इस तरह से किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे माइंड में भी एक इंप्रेशन जा रहा है कि ये हमारे लिए सेफ है काम करने के लिए और हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में डेटा को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। अब फॉर्मेट्स वगैरह सेम रहते हैं, तो जैसे एक्सटेंशन होती हैं फाइल की, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते ड्यू टू द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सम अदर थिंग्स। बट इन केस ऑफ द डेटाबेस, यहाँ पे डेटा स्टैंडर्ड्स को पूरा मेंटेन किया जाता है ताकि डिफरेंट सिस्टम्स में जो डेटा की एक्सचेंजिंग है वो इजीली हो सके। बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, फील्ड रिकॉर्ड एंड टेबल। ये जो आप सामने देख रहे हैं, दिस इज अ टेबल जिसके अंदर आपके 4 कॉलम्स है, पोजिशनल टाइटल, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल एरिया, मैक्स पे एंड मिन पे, 5 कॉलम्स। और इन सारे कॉलम्स को हम डेटाबेस के अंदर फील्ड बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है तो इसकी सारी डिटेल्स है हमारे पास, तो ये इस पर्सन का पूरा एक रिकॉर्ड है। इसी तरह से रिक्रूटर है, उसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल एरिया, मैक्सिमम एंड मिनिमम पे इज देयर, तो ये उस पर्सन का पूरा रिकॉर्ड है। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इसके अंदर हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर, सो वी हैव टू से 5 फील्ड्स। और अगर हमसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, वी हैव टू से 4 रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स आर रोज एंड कॉलम्स आर फील्ड्स। कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। अनदर नेम फॉर द कॉलम इज फील्ड एंड एट्रीब्यूट्स। अनदर नेम फॉर द रो इज रिकॉर्ड एंड टपल्स। ओके, और ये जो वैल्यूज होती हैं, 60,000, बैचलर्स डिग्री, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इन सबको हम बोलते हैं डेटा वैल्यू। और ये पूरी, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज एंड कॉलम्स, इसे हम बोलते हैं टेबल। और डेटाबेस के टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो वी कॉल इट एज रिलेशन। व्हाट डू वी कॉल इट एज? रिलेशन। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स द फीचर्स ऑफ द डेटाबेस। सबसे पहली बात होती है डेटाबेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा टेबल हो सकती हैं। तो डेटाबेस बेसिकली क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसके अंदर डेटा हमारा टेबल्स के फॉर्म में रहता है, बेसिकली इन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, कम से कम एक होती है, उससे ज़्यादा भी आपके हो सकती हैं। ईच टेबल इन अ डेटाबेस कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम। डेटाबेस की हर टेबल में एक टाइप ऑफ आइटम के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे स्टूडेंट टेबल है तो उसमें स्टूडेंट के बारे सारी इन्फॉर्मेशन होगी। स्कूल नाम की टेबल है तो उसमें स्कूल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक दिस। और हर टेबल की एक प्राइमरी की होती है जिसके सारे रिकॉर्ड्स आपके यूनिक होते हैं। प्राइमरी की का मतलब होता है उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी डिफरेंट होंगी, कोई भी सेम वैल्यू हम एंटर नहीं कर सकते। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। प्राइमरी की बेसिकली क्या होती है? प्राइमरी की एक ऐसी फील्ड होती है, मतलब एक ऐसा कॉलम होता है विच मार्क्स द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिकॉर्ड एंड इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक।
यानी कि उसके अंदर सारे रिकॉर्ड जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, कोई उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती। किसी भी रिकॉर्ड को, कोई भी वैल्यू को हम खाली नहीं छोड़ सकते, एंड इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, और उसके डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकते। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एम्प्लॉय टेबल है एंड इट हैज थ्री फील्ड्स, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी। तो आईडी जो है आप देख रहे हैं, ऑल द नेम्स, ऑल द आईडीज आर डिफरेंट, 101, 102, 3, 4 एंड 5, कोई भी ऐसी नहीं है जो सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिए, नेम्स में नेम सेम हो सकता है, जैसे यहाँ पे भी गौरव है, यहाँ पे भी गौरव है। इसी तरह से सैलरी भी सेम हो सकती है, जैसे यहाँ 25,000 है, यहाँ पे भी 25,000 है। तो हम हमेशा अपने एक टेबल के अंदर उस कॉलम को या उस फील्ड को प्राइमरी की सेट करते हैं जिसके सारी वैल्यूज जो हों वो यूनिक हो, मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। तो इस टेबल के अंदर प्राइमरी की हमारी कौन सी हुई स्टूडेंट्स, दैट इज एम्प्लॉय आईडी। अब बात आती है स्टूडेंट्स कंपोजिट प्राइमरी की, तो इट इज मोर देन वन कॉलम, इन दिस मोर देन वन कॉलम इज यूज टू स्पेसिफाई द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है उसमें ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट कोड है, क्वान्टिटी ऑर्डर्ड है और प्राइस है। अब प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यूज तो हैं वो डुप्लीकेट हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं, लेकिन ऑर्डर नंबर जो हमारा है और प्रोडक्ट कोड है, अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर 2 इन्होंने यहाँ पे 10100 इस तरह से दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के कोड हैं, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट के कोड हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है तो हर प्रोडक्ट का अपना एक कोड होगा और ऑर्डर नंबर भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे 10102 इस तरह से हम लेके चलेंगे, बिकॉज ऑर्डर नंबर भी जो है वो एक ऐसा कॉलम है जो सबके लिए डिफरेंट होगा। अब अगर किसी पर्सन ने ऑर्डर दिया, पहले पर्सन ने ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर नंबर 1 होगा, दूसरे ने दिया ऑर्डर नंबर 2 होगा, ऐसे करते करते आगे तक नंबर जाएगा, लेकिन वो वापस 1 पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास 2 ऐसी कीज हैं जो प्राइमरी की का काम कर रही है। और दो एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट कोड दोनों हमारी प्राइमरी की का काम कर रही है, मतलब कह सकते हैं कि दोनों के अंदर यूनिक वैल्यूज है। इन दोनों कीज को मिला के हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट प्राइमरी की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव इज द फॉरेन की। तो फॉरेन की का काम होता है दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करना। फॉरेन की एक ऐसी की होती है, फॉरेन मतलब नेम से पता लग गया, बाहर की, मतलब उस टेबल की ना हो, बाहर की हो। एक ऐसा कॉलम जिसके दूसरे टेबल की प्राइमरी की से वैल्यू ली गई है वो होती है फॉरेन की। कैसे, सपोज ये हमारे पास एक मेन टेबल है कोर्स आईडी और कोर्स नेम के कॉलम साइज में। अब यहाँ पे कोर्स आईडी जो है वो चारों डिफरेंट हैं, तो इस पर्टिकुलर टेबल के लिए कोर्स आईडी जो है वो क्या है, प्राइमरी की है। अब अगर हम एक और कॉलम, एक और टेबल बना दें जिसमें स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कोर्स आईडी है, मान लीजिए स्टूडेंट टेबल है, तो इस स्टूडेंट टेबल के अंदर भी हम कोर्स आईडी ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, इस मेन टेबल की प्राइमरी की में से ले रहे हैं। मान लो ये टेबल कोर्स है और ये टेबल स्टूडेंट है, तो कोर्स टेबल में से हमने जो प्राइमरी की बनाई थी वो कोर्स आईडी बनाई थी, उसको हमने स्टूडेंट टेबल के कोर्स आईडी के अंदर डाला। तो इसका मतलब यही हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज को मेन टेबल की प्राइमरी की से ले रहे हैं, तो वो हमारी कैसी की हो गई, फॉरेन की। नेक्स्ट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारी जो है कोर्स आईडी, वो हमारी क्या हो गई, दिस इज नोन एज द फॉरेन की, और ये हमारी मेन, जो हमारा मेन टेबल था उसकी हमारी प्राइमरी की है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल मींस दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में लिंक को एस्टैब्लिश करना। इसके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो टेबल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं कॉमन फील्ड से। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हुआ वो हमारा एक सॉफ्टवेयर हो गया जिसकी हेल्प से हम टेबल्स के बीच में लिंक को फॉर्म कर पा रहे हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली हमारा क्या हुआ, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से टेबल के फॉर्म में डेटा है और उसके बीच में लिंकिंग हो पा रही है, दैट इज आरडीबीएमएस। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट सम मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स डिस्कस्ड इन द वीडियो। In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. I will meet you in my next video.